नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ पुरंजा ज्योति से आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय ज्योतिष का जो 12 किस्म के कालसर्प योग है उनमें से पंचम प्रकार वयनद शंखफल कालसर्प योग के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम जानेंगे कैसे एक जन्म कुंडली में ये शंखफल कालसर्प योग बनता है और इसका फल क्या होता है और कैसे इस भयानक फल से बचा जा सकता है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आपके खुद के जन्म कुंडली में या आपके अपनों के जन्म कुंडली में अगर ये योग दिखाई देता है तब इस भयानक कालसर्प योग के जो फल है उससे खुद को और अपने अपनों को रक्षा करना। जब किसी भी जन्म कुंडली में लग्न से चतुर्थ भाव में या घर में राहु का अवस्थान और लग्न से दशम भाव में और घर में केतु का अवस्थान रहता है और ऐसी दशा में राहु और केतु का एक्सिस के कोई भी एक दिशा पे वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज बाकी सारा ग्रह उपग्रह और नक्षत्र आ जाता है तब भारतीय ज्योतिष में उसको शंखफल कालसर्प योग माना जाता है। जब कोई जातक ये शंखफल कालसर्प योग लेके जन्म लेता है तब वो जातक खुद के और परिवार के बुरे कर्म के लिए जिंदगी भर परेशानी रहता है और गरीबियों को झेलता है। अगर वो नौकरी या कोई भी बिजनेस में बहुत सारा पैसा कमा भी लेते हैं तब भी वो दौलत उसके कोई भी काम का नहीं होता। जिंदगी में 43 साल तक उसको गरीबी में ही रहना पड़ता है। ये जातक के भाग्य में माता पिता का प्यार नसीब नहीं होता। इसके साथ इसके माता पिता का संबंध टूट जाता है इनके उम्र बढ़ने के साथ साथ। दसवें कक्षा तक पढ़ाई में इन लोगों को बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर समय इन लोग जिंदगी में खुद के मकान बना नहीं सकते, इनको दूसरे के मकान में ही रहना पड़ता है। इन लोगों का कोई भी दोस्त नहीं होता, अगर हो भी गया तो इन लोगों को साथ नहीं देता। विवाहित जीवन भी इन लोगों का अच्छा नहीं होता, घर में इनको शांति नहीं मिलता। कर्म क्षेत्र में इन लोगों का बहुत सारा गुप्त शत्रु होता है। ये लोग अगर नौकरी भी करे तब ये लोगों को ऑफिस कॉलेज ही इन लोगों के साथ गुप्त शत्रुता कर जाता है। व्यवसायों में भी इन लोगों का बहुत सारा गुप्त शत्रु होता है। इन लोगों के जन्म के बाद इन लोगों के माता पिता बीमारी और गरीबी में पड़ जाता है। ज़्यादातर वक्त इन लोग पेट की बीमारी में पड़ जाता है। जिन लोगों का ये शंखफल कालसर्प योग है वो अगर नियमित रूप से और नियमित संख्या में महामृत्युंजय मंत्र जप करता है तब ये उसके लिए शुभ फलदायी होगा। और अगर वो सातमुखी रुद्राक्ष को त्रंबक मंत्र और अघर मंत्र से विधिपूर्वक शोधन करके धारण करे तब इस योग का बुरे फल से बचा जा सकता है। मेरे विचार से अगर वो जातक कोई भी ज्ञानी विद्वान ज्योतिष से खुद के कालसर्प योग का जड़ से विनाश करे तब वो जातक जिंदगी में बहुत आगे जा सकता है। क्योंकि भारतीय ज्योतिष कोई अंधविश्वास या कुसंस्कार नहीं है, ये एक विज्ञान है और भारतीय वेद का एक अंग है। इसीलिए मैं सौरभ आप सभी को अनुरोध करता हूँ कि आप सभी भारतीय ज्योतिष को सही तरह से जान के वो खुद की जिंदगी में प्रयोग करके खुद की जिंदगी को उन्नति के शिखर पर ले जाइए। आने वाला वीडियो में हम भारतीय ज्योतिष का 5वां किस्म के भयानक कालसर्प योग के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस चैनल के कोई भी अपडेट सबसे पहले आप पा सके। भारतीय ज्योतिष को लेके कोई भी प्रश्न आप हमें कमेंट या व्हाट्सएप कर सकते हैं और पुरंजय ज्योतिष संबंधित कोई भी जानकारी के लिए आप हमारा वेबसाइट पे लॉग इन कर सकते हैं। मैं सौरभ आप सभी से इजाजत चाहता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।